हेलो स्टूडेंट, ओपन बोर्ड असाइनमेंट मार्च अप्रैल कक्षा 10वीं का मैथ्स का असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट वे बच्चे लिखें जिनको पूरे क्वेश्चन को समझ कर लिखना है और बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में लगे रहना है, ठीक है। वे बच्चे इसको देखकर ना लिखें जिनको बस पीडीएफ से मतलब है और पीडीएफ से देखकर छाप लेंगे। यहाँ पे मैं उन बच्चों का हेल्प करना चाहता हूँ जिनको सभी क्वेश्चन को समझ के बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखकर लिख सकते हैं, लेकिन आप पहले समझें उसके बाद लिखें तो आपका तैयारी भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:4:5 है, तो त्रिभुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो माना त्रिभुज के कोण क्रमशः 3x, 4x व 5x है, उनके कोण हम लोगों x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब तीनों को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, योग मतलब तीनों का योग मतलब योग कर देंगे, तीनों का योग किए बराबर 180 अंश लिखेंगे। यहाँ पे 12 आया, 12 आने के बाद x का मान निकालेंगे तो x का मान 15 आ गया, ठीक है। अब x का मान 15 आने के बाद यहाँ पे 3x है तो 3 × x कर देंगे, x का मान 15 है, 3 × 15 = 45, 4 × 15 = 60 और 5 × 15 = 75। तो तीनों यहाँ पे तीनों कोणों का मान मेरे को मिल गया, यहाँ पे देखिए 3x, 4x और 5x का, ठीक है, 45, 60 और 75, ठीक है, ये हुआ आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC² = AB² + BC² तो यहाँ पे देखिए मैं पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, ऐसा आप लोगों को कहीं मिलने वाला नहीं है। देखिए कथन क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है, ये हम लोग का कथन होता है। तो हम लोग को दिया क्या है, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 अंश, देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को रचना क्या करना है, BD लंब AC, हम लोग BD देखिए AC पे एक लंब डाल दिया BD, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को सिद्ध क्या करना था, AC² = AB² + BC², ठीक है, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब उत्पत्ति क्या हुई, देखिए त्रिभुज ABD में ADB में AADB लिया और ABC एक छोटा वाला एक बड़ा वाला लूंगा, ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज एक बड़ा वाला त्रिभुज, तो ए डी बी बराबर लिख लूंगा ABC = 90 अंश। देखिए यहाँ पे दोनों का 90 अंश बन रहा है क्योंकि B यहाँ पर भी 90 अंश आ रहा है और यहाँ पर D कितना अंश आ रहा है, 90 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोण D बीच में था, ठीक है। उसके बाद एंगल A = एंगल A, एंगल A जो होगा ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ भुजा होगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ADB क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC के, सर्वांगसम मतलब सेम टू सेम, किस प्रमेय से, AA कोण कोण प्रमेय से। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, AD/AB = AB/AC, ठीक है, AD/AB लिखेंगे बराबर AB/AC। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे AB दो बार क्यों लिखे, क्योंकि AB² लाना है तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना ही होगा, क्योंकि AB² AB/AC हम लोग लेंगे, पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं फिर बड़ा त्रिभुज लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB का इंटू करूंगा तो AB² हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे AB² हो गया, ठीक है, और यहाँ पे AD × AC होगा। फिर पुनः हम लोग BDC में लेंगे व ABC, फिर एक छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज, फिर हम लोग सेम वही प्रोसेस करेंगे, पूरा वही प्रोसेस है, यहाँ पर भी कोण कोण पर में आएगा, फिर यहाँ पर DC/BC = BC/AC, DC × AC = BC² ये समीकरण दो हो गया। यहाँ पे समीकरण एक मिला था, यहाँ पे समीकरण दो मिल गया, समीकरण एक व समीकरण दो को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो यहाँ पे देखिए AC और AC दो बार आया था, तो AC हम लोग कॉमन ले लिए, ब्रैकेट के अंदर AD + DC बच गया और इधर AB² + BC² बच गया। यहाँ पे AC = AC लिख देंगे, AD + DC पूरा करेंगे तो AC होगा, कैसे करेंगे, AD + DC देखिए AD + DC ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा ना, तो वैसे ही यहाँ पे AC हो गया, ठीक है, और AB² + BC² AC का वैसी है, अब ये दो बार AC था तो AC² = AB² + BC² यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो ज्ञात है ओ वृत्त का केंद्र है एवं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, यहाँ पे मैं दर्शा दिया हूँ, आप देख सकते हैं अच्छे से। रचना हम लोगों को क्या करना है, वृत्त के केंद्र ओ को बी एवं सी से मिलाया, ओ को बी एवं सी से मिला दिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी लिखना था,
डी से मिला दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या, यहाँ पे डी था ना, सिद्ध क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश होता है, फिर एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 अंश होता है। दोनों को हम लोग को प्रूफ करना है, क्योंकि इनको सम्मुख कोण है, ए प्लस सी के सम्मुख कोण बी प्लस डी है। अब उत्पत्ति क्या होगा, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, एंगल ए बराबर 1/2 गुणित एक्स अंश, यहाँ पे एक्स अंश ले लेंगे, ये समीकरण एक हुआ। एंगल सी ले लेंगे तो 1/2 गुणित वाई अंश ले लेंगे। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी को जोड़ूंगा तो 1/2 एक्स स्क्वायर धन 1/2 वाई अंश, फिर यहाँ से 1/2 कॉमन ले लूंगा तो x धन y हो जाएगा, और x धन y कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। x धन y मतलब ये देखिए, यहाँ पे जो था, यहाँ पे ये जो बनेगा पूरा, ये 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 360। अब मैं a प्लस सी का मान निकाल दूंगा तो कितना निकल जाएगा, 180 अंश। इसी प्रकार b प्लस डी का भी मान कितना हो जाएगा, 180 अंश, क्योंकि वो सम्मुख भुजा का आपस में कोण बराबर होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 75 डिग्री तथा एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री हो, तब रचना करें, रचना के पद भी लिखें, ठीक है। तो हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को 5.5 सेंटीमीटर का एक ठो लाइन ड्रॉ कर लेना होगा, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर का पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये 5.5 सेंटीमीटर का मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक। ये इस लाइन का नाम क्या है हम लोगों को, BC, ठीक है। ये B और ये C, 5.5 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एंगल B इक्वल टू 75 है ना, तो एंगल B इक्वल टू 75 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग B पे रखेंगे, ठीक है, और ये जो 5.5 है उसे थोड़ा आधे से ज़्यादा एक चाप लेंगे, फिर इसको हम लोग अर्धवृत्ताकार एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद जो यहाँ हम लोगों का ये पहला मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे, फिर ये पहला जो कट करेंगे वो हम लोग का 60 होता है, और ये जो दूसरा हम लोग कट करेंगे, आर्क करेंगे, वो 120 होता है, ठीक है। हम लोगों को पहले 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो कट मिल गया, पहला ये दूसरा ये। अब पहले पे फिर से रखेंगे हम लोग, ठीक है, एक कट देंगे, फिर दूसरे वाले पे रखेंगे और दूसरा कट देंगे, ठीक है। इस तरह दो कट दे दिए, हम लोगों को मिल गया, देखिए यहाँ पे कटान बिंदु मिल गया, यहाँ पे देखिए कटान बिंदु मिल गया, कटान बिंदु से हम लोग बी से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। ये रेखा कितने डिग्री होगी जानते हैं आप लोग, 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो ये हम लोग खींच दिया, तो ये 90 डिग्री बन गया, लेकिन मेरे को बनाना है 75, तो 75 के लिए फिर से मैं ये जो ये उसमें लिया था डिवाइडर में जो साइड लिया हूँ, इसको थोड़ा भी हिलाऊंगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कटान बिंदु मिला, ये देखिए ये, ठीक है, और ये ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सुविधा हो, ये पी, ये क्यू, ये आर, ठीक है। ये अब मैं क्या करूँगा, P पे रखूंगा, ठीक है, P पे रखूंगा और एक आर्क लूंगा, ठीक है, सॉरी P पे रखूंगा और P से R तक की दूरी मेजर कर लूंगा, P से R तक का दूरी मेजर कर लिया। अब एक आर्क दिया, देखिए यहाँ पे एक आर्क दिया, और फिर R पे रखूंगा, R पे रख के एक आर्क काटूंगा, यहाँ पे जैसी चाप काटा, दोनों चाप कहाँ पे मिल गया हम लोगों को, एक और चाप यहाँ पे कटिंग मिल गया, ठीक है। अब मैं उसको नाम दे देता हूँ पी क्यू आर, ये एस दे देता हूँ, ठीक है। अब एस बी से, एस से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये 75 अंश हो जाएगा, ये कितने अंश हो गया, ये 75 अंश हो गया, ठीक है, ये 75 अंश हो गया, ठीक, ये 75 अंश हो गया हम लोगों को बी पर, और सी पे हम लोगों को 45 बनाना, तो सी पे भी फिर हम लोग वही काम करेंगे, ठीक है। एक अर्ध गोला का चाप ले लेंगे, ठीक है, ये मैंने अर्ध गोला का चाप ले लिया,
फिर यहाँ से कट करूँगा तो पहले 60 कटेगा, फिर यहाँ पे कट करूँगा तो 120 कटेगा, ठीक है। देखिए ठीक है, अब इसका नाम दे देता हूँ मैं, नाम क्या दे देता हूँ, ये पी क्यू आर एस, ये दे देता हूँ टी, ये यू, ये वी, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब मैं, मेरे को 45 डिग्री बनाना है, 45 डिग्री बनाना है, तो देखिए 90 का आधा होता है 45, ठीक है, तो हम लोग, मेरे को पहले क्या बनाना पड़ेगा, 90 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं U पे रखा एक बार काटा, फिर एक बार V पे रखा काटा, फिर मेरा बन गया ये 90 डिग्री, ठीक है। ये देखिए ये मेरा बन गया 90 डिग्री, 90 बन गया। अब 90 बन गया, 90 का आधा कैसे करना है, ये देखिए 90 का आधा करना है, तो ये देखिए ये 90 बन गया, आधा करना है, तो यहाँ से और ये पूरा V तक की, ये यहाँ तक की दूरी बता दे रहा हूँ मैं एक बार, ये T है, U है, ये V है, यहाँ पे मैं U V W मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये W की दूरी हो जाएगी, ये T की दूरी, तो T और W पे रखेंगे हम लोग, ठीक है। ये T पे रख दिया मैं, एक T और W की दूरी मेजर कर लिया, माप लिया, अब एक चाप काटा और फिर ये दूसरा चाप काटा, ठीक है, जो कटान बिंदु मेरे को मिला उसको मैं मिलाते हुए एक रेखा ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ही एक रेखा ड्रॉ करूँगा तो मेरे, मेरा एक त्रिभुज बन जाएगा, देखिए ये, ठीक है। अब देखिए ये मेरा ए था, ये था बी था, और ये ए हो गया, है ना, ये ए बी सी, ये हम लोगों का क्या बन गया, त्रिभुज एक बन गया। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन क्या है, किसी कागज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना और इतना है, इसे इसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, जैसे ये कागज है तो इसका, ये देखिए लंबा, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, तो चौड़ाई के अनुदिश मैं ऐसे करके मोड़ूंगा, ऐसे करके मोड़ूंगा, ठीक है, ऐसे करके मोड़ा तो एक बेलन बन गया, देखिए एक बेलन टाइप का बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही मोड़ना था, फिर एक बेलन बनाया जाता है, इस बेलन का आयतन निकालना, आयतन मतलब इसका आयतन निकालना, ठीक है। आयताकार कागज की लंबाई 33 थी, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर थी, बेलन की परिधि कितना थी, 16। अब उसकी परिधि बन जाएगी, जो 16 चौड़ाई थी वो उसकी क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी, और बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 33, ऊंचाई तो ऊंचाई ही रहेगी, क्योंकि देखो ना ऐसे करके मोड़ रहे हैं ना, तो ये तो ऊंचाई हो जाएगी। अब देखो बेलन के आधार की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, और 2πr बेलन के आधार की परिधि हम लोगों को 16 सेंटीमीटर पहले से दे दिया है, ठीक है, वो चौड़ाई ही उसकी परिधि बन जाएगी, तो 16 सेंटीमीटर दे दिया है। अब बेलन के आधार की परिधि के जगह 16 सेंटीमीटर रखूंगा, फिर 2πr उसका बेलन के आधार की परिधि होता है, यहां से मैं r का मान निकाल लूंगा, यहां से देखिए r का मान निकाल लिया, ठीक है। r का मान कैसे निकाला गया है जाके देख सकते हैं अभी, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करूंगा मैं, बेलन का आयतन निकालूंगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है।